समझने वाले हैं बीएससी फाइनल ईयर का एक एग्जांपल, ठीक है। ये एग्जांपल ये कहता है दोस्तों कि माना कि आर प्लस सभी दृढ़तः धन वास्तविक संख्याओं का गुणात्मक समूह है और एफ सच दैट आर प्लस टू आर प्लस को एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर प्लस से परिभाषित करते हैं, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि f एक स्वकारिता है, या फिर हम इंग्लिश में इसी को समझें तो ये बोलता है कि लेट r प्लस बी ऑल मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप ऑफ स्ट्रिक्टली पॉजिटिव रियल नंबर एंड f सच दैट r प्लस टू आर प्लस इज डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर प्लस, देन प्रूव दैट f इज एन ऑटोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो हमको सबसे पहले ये r प्लस क्या है उसके बारे में सबसे पहले हम समझते हैं दोस्तों। यहां जो r प्लस लिखा हुआ है इसका मतलब होता है a टू इनफाइनाइट वेयर a इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। a क्या होता है हमारा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो होता है। जैसे हम लोग रियल नंबर में क्या पढ़ते हैं, ये जीरो लिखते हैं, फिर इसके बाद आगे वन टू थ्री फोर अब सो ऑन, इधर पॉजिटिव रियल नंबर सारे मौजूद होते हैं, है ना, और इस साइड क्या होता है नेगेटिव रियल नंबर मौजूद रहते हैं। तो वो सारे मेंबर जो जो जीरो तो ना हो लेकिन जीरो से बड़ा हो, ठीक है, जीरो ना हो लेकिन जीरो से बड़ा हो, तो ये जो है ये जो साइन जो है वो पूरा आपका क्या होगा इस इंटरवल में बिलोंग करेगा और r प्लस जो होगा वो सारे ये जो होंगे ये कंप्लीटली हमारे r प्लस में बिलोंग करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये r प्लस हुआ। अब इसमें हमको ये बताना है कि हमारा जो फंक्शन है कैसा फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इस फंक्शन को बताना है कि ये जो है ऑटोमॉर्फिज्म है और ऑटोमॉर्फिज्म को हमको क्या क्या सिद्ध करना होता है। तो पहले तो हमको ऑटोमॉर्फिज्म या स्वकारिता के लिए हमको वन वन या एक एक प्रूफ करना है, ठीक है। दूसरी बात हमको उसको आच्छादक या अंतु प्रूफ करना है और तीसरा जो है होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करना है या फिर वह जो एफ है वह समूह स्वकारिता को क्या करता है या समूह को परिलक्षित रखता है या हम उसको बोल सकते हैं समूह संयोजन को परिलक्षित रखता है, ये चीज हमको यहाँ पे सिद्ध करना है दोस्तों, ठीक है। चलिए समझते हैं फिर इसके बाद इसको सिद्ध कैसे करेंगे, ठीक है, कि f जो है एक एक ही है या वन वन है ये हम कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है। तो हम सपोज करते हैं कि दो कोई भी दो एलिमेंट लेके चलते हैं f x एंड y बिलोंग टू r प्लस, ठीक है, देन f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y लेके चले। अब हम जब f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y लेके चलते हैं दोस्तों तो हमारे पास तो डिफाइन है ना f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर, तो हम f ऑफ x के स्थान पे x स्क्वायर लिखेंगे, y के स्थान पे f ऑफ y के स्थान पे y स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। अब चूंकि दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है क्या आप सोचिए, जैसे मैं लेता हूं 2 का इमेजेस, 2 का इमेजेस क्या आएगा 2 का स्क्वायर मतलब 4 आएगा, है ना, 2 का इमेजेस मैं लिखूंगा तो 4 आएगा और 3 का इमेज लिखूंगा तो 4 कितना आएगा 9 आएगा उसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को बराबर लेंगे, मतलब 4 और 4 को ही बराबर लेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों को ही बराबर ले सकते हैं, तो 4 और 4 बराबर है तो 4 का रूट क्या होगा, 4 का रूट क्या होगा दोस्तों, तो 4 का रूट क्या हो सकता है, एक तो यदि हम बात करें तो प्लस माइनस 2 आएगा, तो माइनस तो इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है क्योंकि हमने आर को पॉजिटिव नंबर लिया, तो माइनस बिलोंग नहीं कर सकता, इसका मतलब दोनों ही क्या होंगे प्लस में होंगे, तो एक्स ग्रेटर देन जीरो एंड वाई ग्रेटर देन जीरो, इसीलिए एक्स बराबर वाई आया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि एफ इज वन वन या एफ एक एक ही है, ठीक है। अब आते हैं दूसरा सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं, तो सेकेंड हमारा क्या कहता है एफ अंटू है या एफ आच्छादक है, ये हमको प्रूव करना है। तो आच्छादक के लिए क्या करते हैं, हम को डोमेन का मेंबर लेके चलते हैं और उस को डोमेन मेंबर के लिए प्री इमेज, एक डोमेन के मेंबर के पास एक प्री इमेज मिलना चाहिए। तो देखिए हम को डोमेन के मेंबर को एक्स मान लिए और एक्स को मैंने फोर माना, ठीक है, और इस फोर के लिए एक तो मेंबर ऐसा जरूर है
जो क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा, मतलब इसका मैं रूट निकालू रूट एक्स करूं तो मेरे पास एक ना एक तो मिल ही जाएगा, मतलब हर एक एलिमेंट के लिए आर प्लस के हर एक एलिमेंट के लिए यदि मैं उसका रूट निकालू तो मेरे पास आर प्लस को एक मेंबर मिल, आर प्लस का कोई एक मेंबर तो मिल जाएगा जो कि रूट एक्स होगा। तो उस रूट एक्स के लिए जिसका मैं यदि इसी का इमेज फिर निकालू तो वहां पर पहुंच जाऊंगा, तो इसलिए हम बोलेंगे आर प्लस बिलोंग्स टू आर, एक्स बिलोंग्स टू आर प्लस जो कि कोडोमेन है। और यहाँ पे आप लिख लीजिए कोडोमेन या सहप्रांत लिख सकते हैं, और सहप्रांत के हर एक मेंबर के लिए हमारे पास रूट एक्स एक मौजूद मिलेगा जिसका एफ ऑफ एक्स रूट एक्स निकालेंगे तो रूट एक्स का स्क्वायर मिलेगा जो कि क्या होगा एक्स के इक्वल आएगा, ठीक है। और यही जो चीज है हम बोलते हैं रेंज ऑफ एफ इक्वल्स टू आर प्लस हो जाएगा दोस्तों, क्यों, क्योंकि हर एक मेंबर इसका हर एक मेंबर के लिए मेरे को एक इमेज तो एक एलिमेंट तो मिल जाएगा, मतलब जब हर डोमेन के हर मेंबर का इमेजेस जो है आर प्लस में बन रहा है तो पूरा आर प्लस ही इमेज का कलेक्शन होगा, और इमेज के कलेक्शन को ही तो हम क्या करते हैं रेंज ऑफ एफ कहेंगे, इसलिए ये रेंज ऑफ एफ बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास रेंज ऑफ एफ के रूप में क्या बनेगा, यही आर प्लस जो होगा वो रेंज ऑफ एफ बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। ठीक, अब आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे कहते हैं कि f जो है r प्लस में संयोजन को प्रदर्शित रखता है, या इसी को हम बोलते हैं समाकारिता है या होमोमॉर्फिज्म है। तो ये चीज हम प्रूव करते हैं, तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई भी दो एलिमेंट लेना पड़ेगा, r प्लस का क्या लेना पड़ेगा कोई भी दो एलिमेंट, और वो दो एलिमेंट के लिए हम क्या करेंगे f ऑफ x y बराबर हम लेके चलेंगे f ऑफ x इंटू f ऑफ y लेके चलेंगे, ठीक है, आएगा हमारे पास प्रूव करेंगे। तो जब वो प्रूफ हो जाएगा तभी हम कहेंगे वो होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है। तो प्रूफ करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि x और y भी आर्बिट्री एलिमेंट लेना पड़ेगा r प्लस में, तो हमने आर्बिट्री एलिमेंट चुना x y बिलोंग्स टू r प्लस b आर्बिट्री एलिमेंट, एंड देन x f ऑफ x y इज इक्वल्स टू x इनटू y का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से जब हम स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अलग अलग हो गया, फिर एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई अलग अलग हो गया, ठीक है। तो यहां से हम बोलेंगे कि एफ इज ऑटोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि एफ जो है, अच्छा ये इस लाइन प्रूफ होने से मतलब होता है हमारा समाकलिता प्रूफ हो गया, और समाकलिता जब प्रूफ हो गया तो तीनों चीज हमारे पास क्या प्रूफ हो चुका है, एफ इज वन वन एफ इज वन टू एंड एफ इज समाकलिता। तो यहां से हम तीनों जब हमारा प्रूफ हो गया इसलिए हम कह पा रहे हैं कि जो हमारे पास f इज इक्वल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर गिवन है दोस्तों, वह जो f ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है डिफाइंड ऑन r प्लस इज अ ऑटोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो दिस इज अ ऑटोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को हैंडल करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आइए समझते हैं दोस्तों एग्जाम्पल नंबर टू। इसमें बोलता है माना कि g एक समूह है और f g का स्वकारिता है, तब हमको बताना है कि n, साथ में ही बोला है कि n g का प्रसमान उपसमूह है, तो हमको सिद्ध करना है कि f ऑफ n g का भी एक प्रसमान उपसमूह होगा, ठीक है। तो हमारे पास इंग्लिश में यदि बोले तो ये है हमारे पास g भी अ ग्रुप है एंड f भी ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ g एंड देन n इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g, then prove that f of n is the normal subgroup of g, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमको मेनली क्या क्या समझना है कि सबग्रुप होता क्या है ये चीज समझना है पहले, फिर नॉर्मल सबग्रुप होता क्या है ये चीज समझना है, फिर दोनों के रिस्ट्रिक्शन के अकॉर्डिंग हमको जो प्रूव करना है वो f of n को नॉर्मल प्रूव करना है। किसको प्रूव करना है, f of n को नॉर्मल प्रूव करना है, n नॉर्मल गिवन है, एन जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप दिया गया है, ठीक है। हमको प्रूव करना है एफ ऑफ एन को नॉर्मल प्रूव करना है, ठीक है। तो आइए समझते हैं, पहले हम सब ग्रुप के डेफिनेशन को समझते हैं, उसके बाद नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन को समझेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले बात हम बात करें कि एन जो है सब ग्रुप कब कहलाता है, ठीक है। एन जो है वो सब ग्रुप कब कहलाता है, देखिए हमारे पास सबसे पहले ये G है, यहाँ पे एक G है, ठीक है, ये G है और यहाँ भी एक G है, और ये जो है मैपिंग जो हो रहा है हमारा वो F मैपिंग हो रहा है, और यही जो है ऑटोमॉर्फिज्म है या स्वकारिता है ये हमको गिवन है दोस्तों, ठीक है।
अब हमारे पास क्या दिया गया है कि जी का नॉर्मल सब ग्रुप दिया है, क्या दिया है जी का नॉर्मल सब ग्रुप, तो इसी का छोटा पार्ट, कोई छोटा पार्ट दिया है एन, ठीक है, क्या दिया है इसी का छोटा पार्ट दिया है एन। अब देखिए ये जो एन है ना वो क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए, तभी वो सब ग्रुप बना सकता है, तो मतलब इसके अंदर कुछ कुछ मेंबर है, ठीक है, क्या है इसके अंदर कुछ कुछ मेंबर तो है, तो मतलब ये नॉन एम्प्टी है फाइव, ये वाला जो है मैं बोल रहा हूँ एन जो है नॉन एम्प्टी है फाइव, और जी कहीं छोटा पार्ट है, ठीक है समझ गए। अब इसके अंदर जो मेंबर है वो क्या क्या मेंबर है, एक तो एन वन मेंबर है और एन टू मेंबर हो तो उस कंडीशन में एन वन और एन टू का इनवर्स बिलोंग करेगा एन में, तभी वो सब ग्रुप कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या बिलोंग कर रहा है, एक तो एन वन बिलोंग कर रहा है, एन टू बिलोंग कर रहा है, और साथ ही एन वन एन टू का इनवर्स भी बिलोंग कर रहा है, इसी के अंदर है, ठीक है। तो ये तब जाके, ये जब बिलोंग कर रहा है तब जाके ये सब ग्रुप कहलाएगा, ठीक है। एन वन एन टू कुछ भी हो सकता है, इसका कोई भी दो मेंबर हो, तो उन सब के लिए एन वन एन टू का इनवर्स जो है एन में बिलोंग करेगा, ठीक है। अच्छा अब आते हैं हम लोग इस कंडीशन में, ठीक है, नॉर्मल के कंडीशन में, नॉर्मल के कंडीशन में क्या देखेंगे कि सब ग्रुप ऑफ जी, कोई भी सब ग्रुप ऑफ जी जो होगा वो नॉर्मल कहलाएगा इफ कोई भी जी का कोई भी मैं वाई एलिमेंट लूं, उस वाई एलिमेंट के साथ एन का एक फिक्स कोई एलिमेंट लूं और उसके साथ मैं वाई एन वाई इनवर्स करता हूं, मल्टीप्लाई करता हूं, तो यह जो है वो एन में बिलोंग करना चाहिए, तब जाके वो क्या कहलाएगा हमारे पास, नॉर्मल सबग्रुप कहलाएगा। मतलब यहाँ पे y n y इनवर्स भी बिलोंग करना चाहिए जहां n भी इसी n का मेंबर हो, ठीक है, इसी n का मेंबर, और ये जो y है वो किसका मेंबर है, ग्रुप का कोई भी मेंबर हो सकता है, यहाँ का भी हो सकता है, यहाँ का भी हो सकता है, यहाँ का भी, कहीं भी का, इसके बाहर का भी हो सकता है, इसके अंदर का भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कहीं भी का मेंबर हो, ये y मेंबर बाहर का भी रहेगा तब भी y और n y इनवर्स करने से इस n के अंदर आना चाहिए, तब जाके ये जो n है ना दोस्तों, ये जो n है उसको हम कहेंगे नॉर्मल सबग्रुप, जब तुम ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई किए, ये पहला और ये दूसरा, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई किया तब हम इसको बोलेंगे नॉर्मल सबग्रुप ऑफ g कहेंगे, या फिर किसी को हिंदी में हम बोलते हैं प्रसामान्य उपसमूह कहते हैं दोस्तों, इसी को क्या कहते हैं, एन को प्रसामान्य उपसमूह कहते हैं, ठीक है। तो ये हमको प्रूव करना है कि ये हमको दिया है कि हमारा एन जो है प्रसामान्य उपसमूह है, इसका मतलब ये हुआ कि एन के पास ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, वो फिक्स है, ठीक है, समझ में आए, वो क्या है, फिक्स है। अच्छा अब आते हैं हम लोग, हमको प्रूव किसको करना है, प्रूव करना है हमको एफ ऑफ एन को, ये जो हमारे पास f ऑफ n मिलेगा ना दोस्तों, f ऑफ n, ये जो f इमेज जो है ऑटोमॉर्फिज्म है, और इस ऑटोमॉर्फिज्म इमेज के बाद जब हम निकालेंगे ऑटोमॉर्फिज्म इमेज ऑफ n निकालेंगे तो ऐसा कुछ दिखेगा हमको जो कि इस g का सबग्रुप होगा, तो इस g का कोडोमेन वाला g का सबग्रुप होगा, ठीक है। तो इस कोडोमेन वाले g के सबग्रुप को, इसको हमको प्रूव करना है, दिस इज द प्रसामान्य उपसमूह या दिस इज अ नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है, इसको हमको प्रूव करना है, नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना है, इसी को नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना है। तो इसके लिए क्या क्या चाहिए, तो सबसे पहले तो एफ ऑफ एन को, एफ ऑफ एन को प्रूव करने के लिए एफ ऑफ एन टाइप का मेंबर होना चाहिए, ठीक है। मतलब सपोज मैं ए टाइप का मेंबर लेता हूं, यहां पे ए टाइप का मेंबर लेता हूं, तो ए और बी टाइप का मेंबर लूंगा ना, तो ए बी इनवर्स इसमें बिलोंग करना चाहिए, जैसे मैं दो मेंबर एन वन एन टू लिया ना, तो उस एन टू वाले का इनवर्स बिलोंग किया एन में, तो वैसे ही यदि मैं ए का मेंबर एफ ऑफ एन का एक मेंबर ए लेता हूं और एफ ऑफ एन का दूसरा मेंबर बी लेता हूं, तो उस कंडीशन में ए बी इनवर्स भी एफ ऑफ एन में बिलोंग करना चाहिए, तब जाके वो ग्रुप प्रूफ होगा, सब ग्रुप प्रूफ होगा, है ना। उसके बाद दूसरा मेरे को प्रूफ करना है कि इसका कोई एक फिक्स के मेंबर ले लूंगा, इसी का कोई एकदम फिक्स, जैसे मैंने इसमें एन फिक्स किया वैसे ही इसका के मेंबर फिक्स कर लूंगा, और जी का कोई एक एक्स मेंबर लूंगा, ठीक है, और इस एक्स और के एक्स ये जो होगा ना, एक्स के एक्स जो होगा ना वो हमारा क्या कहलाएगा,
वो हमारा जब इसी एफ ऑफ एन में बिलोंग कर जाएगा तब हम एफ ऑफ एन को प्रसमान उपसमूह कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? प्रसमान उपसमूह कहेंगे दोस्तों। ठीक है, समझ में आया? तो इस टाइप से आपको इसको प्रूव करना है। चलिए हम प्रूव करते हैं इसको कि किस तरीके से यहाँ पे समझना है। सबसे पहले तो हमको एन जो है प्रसमान उपसमूह गिवन है। ठीक है, तो इसको पहले आप डायग्राम में बना लीजिएगा, पहले सॉल्यूशन में। ठीक है, उसके बाद मैं आपको प्रूव कराता हूं। ठीक है, देखिए आप सब इसको लिखेंगे, चूंकि गिवन है ना, चूंकि गिवन है, क्या गिवन दैट, या दिया है आप लिख सकते हैं, दिया है एन इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ सी, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी है। इसका मतलब ये है दो कंडीशन सेटिस्फाई है। कौन कौन सी कंडीशन? दो कंडीशन, एक तो एन वन बिलोंग करता है एन को और दूसरा एन टू बिलोंग करता है एन को, देन एन वन एन टू जो है उस एन टू का इनवर्स जो है वो बिलोंग करेगा एन वन, इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, दूसरी बात हम बात करते हैं वाई, यदि कोई अन्य मेंबर है जी का और हम एन को फिक्स मेंबर कर देते हैं एन का, तो उस कंडीशन में हम लिखें वाई एन वाई इनवर्स जो बिलोंग करेगा एन में। क्यों? क्योंकि एन जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है, तो ये चीज आप लिख लेंगे क्योंकि ये हमको गिवन है, है ना। अब आप इसको फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन मान लिए, अब ये सेकंड रिस्ट्रिक्शन मान लिए। ठीक है, अब हमको प्रूफ करना है कि एफ ऑफ एन के बारे में हमको प्रूफ करना है ना। तो चूंकि एफ ऑफ एन के बारे में प्रूफ करना है और एफ ऑफ एन जो है हमको डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, एफ ऑफ एन जो है वो डिफाइन करना पड़ेगा। तो चूंकि हमारे पास एफ ऑफ एन जो है वो हम डिफाइन करते हैं एफ सच दैट जी से जी, ये एक मेंबर है। ठीक है, मतलब मैपिंग है, और एफ ऑफ एन जी का कोई मेंबर लेके चलेंगे, एफ ऑफ एन इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लेंगे एन ही ले लेते हैं। ठीक है, कोई भी जब हम इमेज निकालेंगे तो वो सेम आएगा इसका एलिमेंट जो है, या फिर आप चाहो तो यहाँ पे इस साइड आप वाई एलिमेंट ले रहे हो तो इस साइड आपका एक्स एलिमेंट आ जाएगा, ऐसा आप अपने से लेके चलेंगे। और जो कि ये जो है एक ऑटोमॉर्फिज्म है दोस्तों, हम सभी जानते हैं ये, दिस इज ऑटोमॉर्फिज्म। ठीक है, ये हमने नोटेशन दिया है क्योंकि मैंने वाई को इस साइड ले लिया है, इसलिए आपको मैंने वाई को इधर लिख लिया। ठीक है, आप चाहो तो एक्स को यहाँ लिखेंगे तो वाई यहाँ पे आ जाएगा, उस कंडीशन में यहाँ एक्स हो जाएगा, यहाँ एक्स हो जाएगा, यहाँ वाई, यहाँ वाई, तो आप चाहे तो जैसा भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने नोटेशन दे दिया और दिस इज ऑटोमॉर्फिज्म, या क्या हमारे पास एक्सोकारिता है, ऐसा हमने मैपिंग डिफाइन कर लिया। ठीक है दोस्तों, अब इसी मैपिंग के बात करें तो इसको एन से एफ ऑफ एन के बारे में बात करें, यदि हम एन के मेंबर को लेके चलेंगे, इमेज लेके चलेंगे, तो जैसे मैं एफ ऑफ एन लेके चलूंगा उसको मैं क्या बोलूंगा, तो उस एफ ऑफ एन को मैं क्या बोलूंगा, तो उस एफ ऑफ एन को सपोज मैं के ले रहा हूँ। ठीक है, वैसे ही इसके एन इमेज को मैं के ले रहा हूँ यहाँ पे ऐसे है, तो हमारे पास एफ ऑफ एन वन को मैं लेके चल रहा हूँ ए, एफ ऑफ एन टू को मैं लेके चल रहा हूँ बी। क्यों? क्योंकि मैंने कोई भी फिक्स लेना है, इमेजेस लेना है, मतलब अब पता नहीं कि क्या आने वाला है, तो हम इस साइड हम एक इमेजेस लेके चल रहे हैं। तो ये सब किसके एलिमेंट है? एफ ऑफ एफ इमेज ऑफ एन के एलिमेंट है दोस्तों। ठीक है, एफ इमेज ऑफ एन के एलिमेंट है। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद। तो पहले दोस्तों हम लोग क्लेम कर लेते हैं या सिद्ध करने के लिए हम लिख लेते हैं कि एफ ऑफ एन इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, या हम लोग सिद्ध करने के लिए ये लिखे हैं, मतलब हमको ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो एफ ऑफ एन ए क्या है? उपसमूह होगा, जी का उपसमूह होगा, ये हमको प्रूव करना है दोस्तों। ठीक है, तो प्रूव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एफ ऑफ एन का कोई दो एलिमेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो सपोज करते हैं कि ए बिलोंग्स टू एफ ऑफ एन एंड बी बिलोंग्स टू एफ ऑफ एन, ये चीज हम लेके चलेंगे दोस्तों। ठीक है, और हमको प्रूव करना होगा कि ए बी इनवर्स बिलोंग करता है एफ ऑफ एन में। ठीक है, और यदि हमने ये प्रूव कर दिया तो इसका मतलब ये हो जाएगा दोस्तों कि हमारा जो एफ ऑफ एन है वो सब ग्रुप बन जाएगा। ठीक है,
तो इसको प्रूव करने का तरीका क्या है? तो सबसे पहले आप ये लिख लीजिए कि इसका मतलब क्या हुआ, a belongs to f of n and b belongs to f of n का मतलब क्या हुआ, ठीक है? कि a जो है ना दोस्तों, a जो है वो क्या होगा, a is equals to f of n1, किसी न किसी कैपिटल n के किसी न किसी एक एलिमेंट का इमेज होगा, कौन, a जो है। जैसे मैं यहाँ पे इसको n ले रहा हूं और इस साइड को f of n ले रहा हूं, तो यहाँ जो n1 होगा उसका इमेज a पे बनेगा, n2 जो होगा उसका इमेज b पे बनेगा, ठीक है? तो हमको बताना है कि n1 n2 का जो इनवर्स है उसका इमेज कहाँ पे बनेगा। तो उसका इमेज यदि f of n पे बन जाता है तो या उस कंडीशन में बन जाता है तो हमारे पास क्या बनेगा, या ए बी इनवर्स का इमेज कहाँ पे बनेगा वो हम चेक करने वाले हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हमने ले लिया a इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एन वन और b इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एन टू, ठीक है? अब हम निकालेंगे क्या चीज, कि a इंटू बी इनवर्स का वैल्यू निकाल के चलेंगे, ठीक है? अब बताएंगे कि ये जो है इसी में बिलोंग करता है, यदि बिलोंग कर गया तो हम बोलेंगे ये सब ग्रुप है और नहीं किया तो ये सब ग्रुप नहीं है, ठीक है? तो सबसे पहले इसको हम लेके चले, a का वैल्यू क्या है हमारे पास, एफ एन वन है, ठीक है? और b का वैल्यू क्या है, और b का होल इनवर्स है, तो आप पहले इसको कोष्टक में लिखेंगे एफ ऑफ एन टू और इसके होल कोष्टक में इनवर्स लगाएंगे, ठीक है? अब इसके बाद आप क्या करेंगे, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एन वन एंड दिस वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, एफ ऑफ एन एन टू का इनवर्स, क्योंकि एफ जो है क्या है, जब भी आपको क्या करना हो, इनवर्स निकालना हो, तो आप ये समझिए यदि ये ऑटोमॉर्फिज्म है, ठीक है, एफ ऑटोमॉर्फिज्म है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो होल इनवर्स है ना वो एन टू का इनवर्स में आ जाएगा, ठीक है? ये जो होल इनवर्स है मतलब किसी भी एलिमेंट का इमेजेस का इनवर्स जो होगा उस एलिमेंट के इनवर्स का इमेज होगा, मतलब उस एलिमेंट के इनवर्स का इमेज होता है। तो इस तरीके से पहले आप तोड़ लेंगे। अब तोड़ने के बाद मैं आपको बताऊं, क्योंकि एफ क्या है हमारे पास, ऑटोमॉर्फिज्म है, और ऑटोमॉर्फिज्म है तो होमोमॉर्फिज्म तो होगा ही है, तो आप इसको अलग अलग कर लीजिए, एन वन एन टू का इनवर्स एक साथ लिखिए, क्योंकि ये एक साथ अलग अलग था उसको हमने एक साथ ले लिया, ठीक है? समझ में आया? अब चूंकि सोचिए ये क्या है, एन वन किस में बिलोंग करता है, हम सभी तो जानते हैं, क्योंकि ये यहां से देख लीजिए, ये एन वन एन टू का इनवर्स कहां का मेंबर है, एन वन एन टू का इनवर्स जो तो वो किसका मेंबर है, एन का मेंबर है, और एन के मेंबर का एफ इमेज, एन के मेंबर का एफ इमेज वही क्या बनेगा, वही तो बन रहा है एफ इमेज, एन वन एन टू का इनवर्स का एफ इमेज ए बी इनवर्स बन रहा है, और ए बी इनवर्स कहां पे गया, कहां पे गया, एफ ऑफ एन में गया। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो एलिमेंट हम ले रहे हैं कि इसको हम बोलेंगे कि एफ ऑफ एन का एलिमेंट है, और एफ ऑफ एन का एलिमेंट हुआ तो इसका मतलब हुआ ए बी इनवर्स जो है f of n में चला गया, और f of n में चला गया इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि चूंकि f of n जो था वो क्या था, g का कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है, और नॉन एम्प्टी सबसेट में ये यदि इसको बिलोंग करता है इसका मतलब ये क्या है, उप समूह बन गया, ठीक है? तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि f of n इज सब ग्रुप ऑफ g, या उप समूह है g का, ऐसा हम बोल सकते हैं दोस्तों, ठीक है? अब इसके बाद हम प्रूव करेंगे कि f of n इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g, ठीक है? तो इसके बाद प्रूव करते हैं दोस्तों, ठीक? तो हम लोग नेक्स्ट क्लेम करते हैं दोस्तों कि f of n इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g, ठीक है? ये चीज हमको प्रूव करना है, ठीक है? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक तो हम k लेते हैं, k कैसा है, f ऑफ n टाइप का इमेज है, ठीक है? और हम क्या लेते हैं, y, एक f ऑफ y लेते हैं, f ऑफ y जिसका इमेज क्या है हमारे पास x है, ठीक है? y का इमेज क्या है, x है, तो x है, इस टाइप का लेते हैं, ठीक है? तो यहां पे इसको लिखेंगे कैसे, तो हम लिखेंगे
फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू जी के लिए देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू, है ना, बिलोंग्स टू जी सच दैट कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, सॉरी एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स, वाई साइड है और एक्स इज साइड है, इसलिए ऐसा लिखा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, चूंकि हमारे पास ये जो g का मेंबर है, x किसका मेंबर है, g का मेंबर है, तो हम क्या करेंगे कि लेट x बिलोंग्स टू g एंड k बिलोंग्स टू f ऑफ n लेके चलेंगे, ये फिक्स है हमारे पास, और x बिलोंग्स टू g तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये लेके चल रहा है। अब हमको ये बताना है कि x k x इनवर्स ये जो वैल्यू है वह एफ ऑफ एन का मेंबर है, और यदि ये एफ ऑफ एन का मेंबर है इसका मतलब ये नॉर्मल सबग्रुप बन जाएगा। ये देखिए एक्स के एक्स इनवर्स एफ ऑफ एन का मेंबर मेरे को बनाना है, इसी को तो इसका मेंबर बनाने के लिए बनाया, देखता हूँ क्या होता है, है? तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स का मान रखेंगे, तो एफ ऑफ एक्स का मान क्या है, एफ ऑफ वाई, के का मान रखेंगे, के क्या है, एफ ऑफ एन है, तो एफ ऑफ एन, फिर आप लिखेंगे x का इनवर्स, तो x क्या है हमारे पास, f of y है, इसका आप लिखेंगे होल इनवर्स, ठीक है। फिर आप इमेजेस के जो होल इनवर्स है उसको एलिमेंट का इनवर्स का इमेज लेंगे, ठीक है, मतलब यहां तो इनवर्स है y में इनवर्स लगाएंगे, ठीक है, तो यहां से आप लिखेंगे f of y, f of n, और यहां पे आ जाएगा f of y का इनवर्स, ठीक है, ये लेंगे। अब इन दोनों की बात करें तो चूंकि ये f जो है ऑटोमॉर्फिज्म है तो इसको मैं चाहूं तो एक साथ लिख सकता हूं अभी पहले ही, तो f ऑफ y n तो ऐसे लिख सकता हूं, है ना। अब देखो ये f हो गया और ये भी f हो गया, अब इसको इन दोनों को एक साथ मर्ज कर दो तो f ऑफ y n y इनवर्स हो जाएगा एक साथ, है ना। अब चूंकि बताइए y n y इनवर्स किसका एलिमेंट था, किसका एलिमेंट था, n का एलिमेंट है, है ना, क्योंकि हमारे पास हमने पहले ही डिसाइड करके बोला था कि n जो है वो प्रसमान्य उपसमूह है, और प्रसमान्य उपसमूह है इसका मतलब y यदि g का मेंबर है और स्मॉल n जो है कैपिटल n का मेंबर है, तो y n y इनवर्स भी तो किसका मेंबर होगा, कैपिटल n का मेंबर होगा, क्यों होगा, क्योंकि n जो है प्रसमान्य उपसमूह है, इसीलिए n का मेंबर हो गया। अब n के मेंबर का इमेजेस जो होता है वही तो f ऑफ n होता है, n के मेंबर का जो इमेज होता है वही तो f ऑफ n होता है, और इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एलिमेंट है वो f ऑफ n को बिलोंग करेगा, f ऑफ n को बिलोंग करेगा, और f ऑफ n को बिलोंग किया मतलब कौन बिलोंग किया, ये बिलोंग कर रहा है मतलब इसी का तो मान था, तो आप लिखिए कि x के x इनवर्स जो है वो बिलोंग करेगा किसको, f ऑफ n को। तो इससे आप क्या समझे कि हमारा जो f ऑफ n है इज अ नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है, वो क्या बन गया, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी या प्रसमान्य उपसमूह है किसका, जी का एक प्रसमान्य उपसमूह बन गया दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से करिएगा, क्योंकि आपका जो इस चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में इसी क्वेश्चन को मानते हैं दोस्तों, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट, यदि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिएगा और अपने सारे दोस्तों को शेयर करिएगा, और यदि आप मेरे सारे वीडियो को देखना चाहते हैं बीएससी फाइनल ईयर का तो प्लीज रजिस्टर कर दीजिएगा, मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है दोस्तों, तो रजिस्ट्रेशन करके आप मेरे सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट।